गाइज अभी हमने वो फॉक्स क्या कहते हैं इसको? पांच फॉक्स देखा अभी हमने, वो वहां से गया है। छह किलोमीटर ट्रैक छह और किलोमीटर करना चल है, के आए हम। बट लेकिन अगर और करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। बट जो व्यू है, बाप रे बाप। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। मैं आपका नोबल ब्लॉगर और ये रहा हमारा दीप। कैसे हो आप सब लोग? टाइम लैप्स आपने अभी देखा होगा। सुबह जल्दी उठ गया था यार, मैंने कहा चलो यार आप लोगों के लिए बढ़िया सा सनराइज देखते हैं। तो आपको दिखाया मैंने कि इतना अच्छा लग रहा था और अभी का व्यू इतना अच्छा हो गया। सुबह 6:30 बजे तो वैसे उठ गए थे अभी। तो ये हमारी डलोजी सीरीज का पार्ट टू नहीं है यार, ये डलोजी सीरीज का हमारी सेकेंड डे का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट थ्री है। अभी हम जा रहे हैं आगे और एडवेंचर करने के लिए, और इवन आपको अच्छे अच्छे और भी नज़ारे देखने को मिलेंगे। एक बार आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। वैसे आपको मैंने बाहर का व्यू दिखाया है, बट लेकिन अभी सुबह का वेदर ना कुछ और ही अलग दिखा रहा है। 3 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, रात को ठंड इतनी ज़्यादा थी कि भाई दो दो कंबल लेके सोए। रिसेप्शन पे कॉल किया, दो दो कंबल लेके सोए, और उसके बाद देन पता नहीं लगा कहाँ पे, क्योंकि बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे ट्रिप से आने से। एक दिन पहले मैंने 13 घंटे जॉब वगैरह में बहुत ज़्यादा मतलब मेरा टाइम निकल गया, तो उसकी भी टाइडनेस बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो इसीलिए मैंने कहा फिर आगे मैंने सोने की यहाँ पर सो जाऊँ, ताकि कल ज़्यादा से ज़्यादा अब पूरा फ्रेश लग रहा हूँ कि हाँ भाई मेरी नींद पूरी डन हुई है। और अभी कर रहे हैं आगे का रोड ट्रिप, और आपको एक बार दिखाते हैं कि बाहर का व्यू कैसा है। बाहर का व्यू देखो एक बार। कैमरा जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर सकता, ये रहा बाहर का व्यू, और वो रही हमारी बाइक सेफली पार्क्ड है। करते हैं फिर जल्दी से जल्दी निकलते हैं और आपको मिलते हैं आगे। और जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को नोबल ब्लॉगर को, जल्दी से जल्दी कर लो, ताकि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट अच्छी ट्रैवलिंग की वीडियो अब मेरे ब्लॉग में देख सके। बंद ही कर लेते हैं बिकॉज क्योंकि ठंड बहुत है। ऊपर से मेरी आदत है कि चाहे जितनी मर्जी ठंड हो जाए बट मेरे से ग्लव्स डाल के बाइक बिल्कुल नहीं चलती आता, बिकॉज मुझे रिस्क लगता है, और जिस चीज़ में रिस्क हो बाइक चलाने में मैं वो चीज़ कभी भी नहीं लूँगा। सो प्लान में थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज अभी आप वो जो पीछे देख रहे हैं ना, ये है अभी गांधी चौक। सो अभी हमने आगे जाना था, बाइक में पेट्रोल नहीं था, तो वो बिकॉज हमें नीचे की तरफ बानीखेत की तरफ अभी नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से टैंक वगैरह फुल करवा लेते हैं। बट अगर हम जाएंगे ऊपर, ऊपर पेट्रोल नहीं है, जिस रोड पे जा रहे हैं तो ऊपर ब्लैक में मिलता है। तो हमने सोचा कि हम 7 किलोमीटर बानीखेत तक नीचे उतर जाते हैं, तो उसके बाद देन आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, वरना हमारा ही लॉस है उसमें कि हम अगर लेट जाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है आगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम ही पहले नीचे चले जाते हैं। और एक बात और, जो आपको पहले लास्ट व्लॉग में बताया था ना, जो फर्स्ट पार्ट में, कि हाँ भाई चंबा का रास्ता एक और नीचे से भी निकलता है, वो चंबा का रास्ता जो अगर आप जाओगे ना तो वो एक ही तरफ का जाता है रास्ता, उससे आप फिर वो चंबा से ही सिर्फ आप अगर चंबा जाना चाहते फिर वो चंबा की तरफ ही आप अकेले जा सकते। अदरवाइज वरना अगर आप इस साइड से जाओगे आप लक्कड़ मंडी काला टॉप खजार और चंबा भी इसी साइड से पड़ जाएगा आपको। तो ये मैं यही रोड रिकमेंड करूँगा आपको कि यही रोड ठीक है, यहाँ के लोकल ने मुझे बताया। बाकी आपको एक बार पेट्रोल फिल करके आपको बाकी बात बताते हैं। Thank you.
चुका है इस राइट नाउ इन लकड़ मंडी। तो अभी जस्ट पहुंचे थे लकड़ मंडी में, तो व्यू बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए मैंने कहा एक बार आपसे शेयर कर देता हूँ व्यू। और एक नुकसान हो गया मेरा, कल जो मैंने कैब ली थी ना वो गिर गई यार, पता नहीं कहाँ पे गिर गई, नीचे चले गए। पहले पेट्रोल हमने फिल नहीं करवाया, पेट्रोल फिल ना कराने की वजह से हमको 7 किलोमीटर नीचे जाना पड़ा और 7 किलोमीटर ऊपर फिर दोबारा गांधी चौक पे आना पड़ा। तो आप ये गलती मत करना, हमारा हाफ एन आवर इसीलिए ख़राब हो गया बिकॉज हमको रिफिल पूरा कराना था कि हमको बिल्कुल भी आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए। तो बानीखेत के पास है HP का पेट्रोल पंप है, वो आपको मिल जाता है वहाँ पे। और व्यू दिखाऊँ आपको एक बार, चलो आओ व्यू दिखाता हूँ, आ जाओ। ठंड इतनी ज़्यादा है ना, कहने की बात है, मैंने अब निकाल के ग्लव्स डाले हैं। पहले मैंने बोला था ना ग्लव्स नहीं डालूंगा, बट लेकिन अभी मैंने डाल लिए क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा मौसम ऐसा है कि हवा बहुत तेज चल रही है, तो उसकी वजह से ज़्यादा ठंड लग रही है। तो व्यू देखो यार एक बार। तो रात का जो टेम्परेचर था ना यहाँ का, वो गया 3 डिग्री तक, 1 डिग्री तक गया था सुबह, अभी 3-4 चल रहा है, 3-4 चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते कितनी ठंड होगी यहाँ पे। जिस चीज़ का इंतज़ार था आपको, बर्फ़ वगैरह देखनी थी, बर्फ़ वगैरह दिख गई है यार। यहाँ हम पहुँचे हैं अभी डैनकुंड में, तो देखते रहते, ये तो हार्ड हो रखी है अभी तो सारी बर्फ़ वगैरह सारी अभी हार्ड हो रखी है ऐसे। तो मैंने तो सोचा था दीप को मारेंगे ऐसे, दीप लेकिन हार्ड हो रखी हो। हाँ सिर पाड़ दो, सिर पाड़ दो सर। और ये हमारे दीप को बजा बर्फ़ का गोला। और अभी रास्ते से हमको ठीक तरह से ही चलानी पड़ेगी बाइक, बिकॉज ये ना देख रहे हो ना, ये ब्लैक स्नो स्टार्ट हो गई है। अरे बाघ दौड़ के यहाँ पे, अभी हमने भंगड़ा वगैरह भी डाला, सांस चढ़ गई इसलिए। सो अभी जैसे मतलब रुके थे, अभी हमने लोकल से कंफर्म किया है कि जो भी डैनकुंड का रास्ता है वो आर्मी एरिया सारा ऊपर, लेकिन एक जो टेम्पल आपको मैंने स्टार्टिंग बोर्ड में दिखाया था ना वो वाला है कि आप उसमें वहाँ पे माथा टेकने जा सकते हो। ये हमारे दीप को लग रही है ठंड। कह रहा है मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँगा। क्या ठंड लग गई थी। इसको ठंड लग रही है अब, कर एक्सरसाइज कर अच्छी तरह से, गर्मी आ गई, चल निकलते आगे। डैनकुंड है आगे, वो सारा आर्मी एरिया है, तो वहाँ पे कैमरा वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है, फ़ोन वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो हम भी थोड़ा सा परेज करेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी की जो भी सिक्योरिटी है उसकी, उनकी कोई वीडियो वगैरह ऐसे कोई आए, उनकी जो सिक्योरिटी है वो लीक हो कोई भी। चलो आगे चलते फिर। आयो आयो आए, बहुत स्पीड चढ़ाई है, सांस चढ़ी हुई है, बट बताना जरूरी था, ये हमारे देश के कुछ बेवकूफ लोग जो ऐसा करते हैं यार, अच्छी बात नहीं है। जो भी आ रहा है पार्टी करने, बट ऐसा तो ना गंद खिला रहो। इसी नजारे के लिए यहाँ पे आते हैं, व्यू देखो। ओ बर्फ वगैरह
ज्यादा बड़ी हुई है, ठंडी भी है और माता का मंदिर अभी थोड़ा सा दूर है जा रहे हैं। और ये देखो नीचे ब्लैक आइस है पूरी, देखो यार सामने। गाइस अभी हमने वो क्या कहते हैं इसको, फॉक्स देखा अभी हमने, वो वहां से गया है अभी। इतनी मैंने कैमरा निकालने लगा था, शिट यार वो निकल गया। वी आर इन वेरी 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 ब्यूटीफुल लोकेशन। कहाँ कैसी है दीप, लोकेशन कैसी है भाई? बहुत अच्छी है, देखोगे दिखाते हैं आपको। देखो यार एक बार व्यू देखो जस्ट, क्या आते जा रहे हैं। माता अमरानी का मंदिर अभी 400 मीटर दूर है और नज़ारे देखते जा रहे हैं पूरा ट्रैक करते करते। वो 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 यार दीप आया मज़ा। बर्फ जमी हुई है अभी तक। पहुंच गए हम मंदिर, नज़ारे देखो पहले वो रहा। आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़, कैमरे में दिख रहे हो कि नहीं वो देख रहे हो, पैरों के निशान बने पाए। हम पहुंच गए, लेकिन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। भाई आपको सजेशन है कि आप यहाँ पे जरूर आओ। मेरा सजेशन यही है, जो ट्रैकिंग करना चाहता है वो तो जरूर आए, लेकिन आए अपनी बाइक पे। क्योंकि आगे मजा नहीं है यार। मैंने लगा स्नो लेपर्ड आ गया बिच्छू। तो दर्शन करते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। दर्शन हो गए डन, थोड़ा सा विंड नॉइस आ रहा होगा, प्लीज इग्नोर कर देना। सो दीप अभी वहां ऊपर गया है, ये देखते हैं कहता ऊपर से व्यू, देखते हैं दिखाता हूं आपको व्यू कैसा है ऊपर से। ऊपर आना वर्थ रहा, लोकेशन देखो पीछे, बाप रे। निकल रहे हैं अभी यहाँ से, तो अभी आपको नीचे जाके एक बार मिलते हैं। बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, बहुत ही अच्छी लोकेशन थी। सो मिलते हैं आपको आगे नीचे जाके। व्यू के लिए अगर बोले ना कि 5-6 किलोमीटर ट्रैक और करना चल के आए हम, बट लेकिन अगर और करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। बट जो व्यू है बाप रे बाप, ठंडी भी है बट व्यू बहुत ही अच्छा है। और सांस भी फूल रही है, थोड़ा सा हाइट पे अभी सांस फूल रही है बहुत। हाँ जी चलो, थोड़ी दूर नहीं है, 2 किलोमीटर और।
सो नीचे उतर आए अभी, तो उतरने में तो 20 मिनट लगे लेकिन जाते टाइम पे तो एक पूरा एक घंटा ही लग गया हमको। कैसा लग रहा है भाई? मैं पसीने से नहा चुका हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी गर्मी होगी। हम सुबह सुबह आए थे ना, थोड़ी ठंड जा रहा थी, तो अभी निकल रहे हैं फिर आगे के ट्रिप के लिए। तो इस ब्लॉग को वैसे यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नोबल ब्लॉगर। अगर आप इंस्टा पे आगे तब मुझे नहीं फॉलो कर ले तो आप मुझे यहाँ पे आईडी आ रही होगी, तो आप मुझे फॉलो कर लो। नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा अगली वीडियो की। बाय बाय गाइस, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।